देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। दिल्ली सरकार ने अपने बजट को देशभक्ति बजट का नाम दिया। इसी देशभक्ति बजट में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई बड़े दावे किए। इसमें साल 2024 तक दिल्ली की 25% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करने से लेकर प्रदूषण रोकने के लिए तमाम उपाय शामिल हैं। पर दिल्ली सरकार भी मान रही है कि प्रदूषण दिल्ली वालों को राहत दिलाना शायद इतना आसान काम नहीं, और इसलिए सरकार ने भी आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 तक दिल्ली को प्रदूषण से आजादी दिलाने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाले नए वाहनों में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। प्रदूषण पर काम करने के लिए निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन लगाना आवश्यक कर दिया गया है। दो स्मोक टावर बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसके साथ ही IIT दिल्ली और कानपुर के साथ मिलकर वायु जल और भूमि प्रदूषण की निगरानी के लिए रियल टाइम असेसमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। यानी अभी 24 साल तक दिल्ली वालों को प्रदूषण से दूचार होते रहना पड़ेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि आजादी के 100वें साल तक पहुंचते प्रदूषण से आजादी का रास्ता साफ हो पाए, क्योंकि तब भी दिल्ली दूसरे राज्यों की बाउंड्री से घिरी रहेगी। फिलहाल आजादी की हीरक जयंती पर सरकार ने सपना दिखाया है। जाहिर तौर पर सपने की बुनियाद इसकी हकीकत में बदलने का पैमाना तय करेगी।